मान लो तुम 3 दिनों से भूखे हो और तुमने बहुत मुश्किलों के बाद कहीं से एक वक्त की रोटी का इंतज़ाम भी कर लिया, तो तुम उस रोटी को खा नहीं सकते। अब तुम पूछोगे, ऐसा क्यों, हम उस रोटी को खा क्यों नहीं सकते? बिकॉज यू आर इनोसेंट, क्योंकि आप क्लेवर नहीं है। आपकी उस एक रोटी पर भी चालाक लोगों की नज़र रहती है। कैसे वो आपसे रोटी छीन सकें, बस इसी फिराक में लगे रहते हैं। यहाँ रोटी से मतलब है आपकी हैप्पीनेस और आपकी अपॉर्चुनिटीज़। चालाक होना अच्छी बात है, पर किसी का नुकसान करना वो अच्छी बात नहीं। कई बार हम चालाक लोगों के जाल में फंस जाते हैं और उनकी चालाकियों को समझ नहीं पाते और अंत में हमें नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए जब तक आप चंड चालाक नहीं हो जाते, तब तक आपको चालाक लोगों की नकली पहचान से बचना होगा, क्योंकि ऐसे लोग होते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। उनकी असलियत पहचाननी होगी ताकि ऐसे लोगों से हम बच सकें और हमें नुकसान ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात, ऐसे लोग बहानेबाजी में नंबर वन होते हैं। चालाक लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, पर जरूरत पड़ने पर पतली गली से निकल लेते हैं। ये वही लोग होते हैं जो ये कहते हैं, रात को 12 बजे भी आवाज़ दे देना, बस तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। ऐसे लोग तुम्हें बहुत अपनापन दिखाएंगे और आप उनके किसी भी काम के लिए मना भी नहीं कर पाओगे, पर जिस दिन तुम्हें उनकी ज़रूरत पड़ेगी उस दिन वो बहाना बना देंगे। ऊपर से ये भी कह देंगे, मैं आज बहुत मजबूर हूँ वरना तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं गारंटी देता हूं, नेक्स्ट टाइम तुम फिर से उसे किसी काम के लिए बोलोगे तो वो फिर कोई ना कोई बहाना बना देगा। तो ऐसे लोगों पर भरोसा मत करो, इनकी बड़ी बड़ी बातों में मत फंसो और ऐसे लोगों से जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। दूसरी बात, ऐसे लोग बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। रसगुल्ला तो फिर भी एक बार कड़वा निकल सकता है, पर ऐसे लोगों की बातें बहुत मीठी होती हैं। इतनी मीठी कि अगर आप मन में ये डिसाइड भी कर लो कि मुझे इसकी कोई बात नहीं माननी है, तब भी आप पिघल जाओगे और उसकी बातों में फंस जाओगे। मीठा बोलना, अच्छा बोलना अच्छी बात है, पर जरूरत से ज़्यादा मीठा बोलना सिर्फ चालाक लोगों को ही आता है। और हम इनकी मीठी बातों में बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, पर इनकी बातों के पीछे कोई ना कोई मतलब छुपा होता है जो हम समझ नहीं पाते और बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो अगली बार से जो इंसान जरूरत से ज़्यादा मीठा बोले, उस पर आसानी से ट्रस्ट मत करना। खासकर उसे किसी बात के लिए प्रॉमिस तो बिल्कुल भी मत करना। और तीसरी बात, ऐसे लोग हमेशा अपने फायदे की तलाश करते रहते हैं। एक इनोसेंट पर्सन हमेशा ये सोचता है, मेरी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, पर ऐसे लोग सिर्फ अपने फायदे के अलावा कुछ और सोचते ही नहीं और अपने छोटे से छोटे काम के लिए भी दूसरों को परेशान करते हैं। ये लोग बिना फायदे के घर से एक कदम भी नहीं निकालते। अगर ये लोग किसी की हेल्प भी कर रहे होंगे तो उसमें भी इनका कोई ना कोई स्वार्थ छुपा होता है। एक बार शेर अपने शिकार को छोड़ सकता है, पर ऐसे लोग किसी का फायदा नहीं उठाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, काम पड़ने पर किसी के भी पैर पकड़ लेते हैं और काम निकल जाने पर भूल जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को पहचानो, उनसे दूर हो जाओ। और चौथी बात, चालाक लोग अपने आप को भोला भाला दिखाते हैं ताकि ये लोगों को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि हम लोगों की सोच होती है अच्छे लोगों की हेल्प की जाए और ये इसी बात का फायदा उठाते हैं। ये लोग इतने सातिर होते हैं कि खुद को लोगों के सामने ऐसा दिखाते हैं मानो इन्हें कुछ पता ही ना हो, और इसी वजह से हमें इनकी असलियत पता नहीं चल पाती और हम उनकी मीठी मीठी बातों में बह जाते हैं। इसलिए जरूरी नहीं भोला भाला दिखने वाला भोला ही हो, वो अंदर से क्या है ये हमें पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपनी मैच्योरिटी बढ़ाना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और आप अपना भोलापन दूर करना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। और वीडियो को लाइक करो, और लाइफ में कभी रोना नहीं चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।